हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि जेके बोस के लिए स्टार्ट करवाएं, तो मैंने सोचा कि ठीक है इसकी रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसके आपको 25 क्वेश्चन दिखेंगे एग्ज़ाम में। ये काफ़ी इजी सेक्शन होगी, इसमें बैंकिंग की तरह नहीं होगा कुछ भी। तो मैंने कहा आज मैं आपको अगर सिलेबस का ओवरव्यू देता तो उसमें टाइम वेस्ट होता, तो मैंने कहा आज आपको मैं एक सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें पूछा जाएगा चीज़ें और कितना इजी होगा। ये वीडियो की जितनी ड्यूरेशन होगी आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपको 100 मिनट दिए होंगे टोटल, और मैं अभी आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आप देखें कि कितने हैं। और रीजनिंग के लिए आप अगर इसके 5 से 6 सेट जो मैं आपको करवाऊंगा अगर आप वो कर लेंगे तो काफ़ी है, आप आराम से 25 में से 25 यहाँ पर ले लेंगे मार्क्स। तो एक तो मेरे को आपको ये चीज़ बतानी थी, दूसरी चीज़ मेरे को आपको यहाँ पर ये बतानी थी स्टार्ट करने से पहले कि ऑफलाइन क्लासेस हम शायद से 15 मई से शुरू कर देंगे। ये जहाँ पे शुरू होगी वो पूरी प्रॉपर मैं एक वीडियो उस पर आपको बता दूंगा कि कहाँ से होगी। और जेके बैंक का जो पीओ मेंस के लिए कह रहे थे वहाँ पर मैं उसका भी स्टार्ट करवाऊँगा, जिस तरह से ट्रिक्स वगैरह, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि पूरा प्रॉपर कराओ। देखो यार, मैं जॉब कर रहा हूँ साथ में, मेरे पास जितना टाइम होता है उतने में मैं जितना हो सकता है मैं यहाँ पर करवाने की कोशिश करता हूँ। अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू भी हुई तब भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, वहाँ पे बस ये फ़र्क रहेगा कि वहाँ पे आपको मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा, जो लोग ज़्यादा सीरियस हैं या जो काफ़ी देर से कहे जा रहे हैं कि स्टार्ट करने के लिए, तो उनके लिए। ये तो रही सारी बातें, तो बाकी मैं आपको एक दो चीज़ और आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है आज, तो मैं बताऊँगा आपको। पहले शुरू कर देते हैं आज इस हमारे टॉपिक को आज को, ये इसमें मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे दूँगा। और साथ में एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी है, वो ये कि ओलिव बोर्ड पे जो पहले आपको जेके बैंक की टेस्ट सीरीज़ के लिए 15% ऑफ मिल रहा था, अब वो आपको एसबीआई की टेस्ट सीरीज़ पे भी ऑफ मिलेगा 15% अगर आप वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करते हैं हमारा SSS बिना स्पेस के। तो आपको वहाँ पे SBI क्लर्क की जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है उसकी टेस्ट सीरीज़ पे भी आपको 15% ऑफ मिलेगा, और जेके बैंक PO मेंस की जो आपको मैं कह रहा था आप वो भी कर लें। और जो लोग कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, उन्हें मैं बोलूँगा कि आप जेके बैंक के जो मेंस के मॉक टेस्ट हम देंगे उसमें इनका जो GK बोल्ट वाला अगर आप वो ले लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा उससे। अगर और किस तरह से करना है किस तरह से नहीं वो मैं आपको बता दूंगा। मेंस के लिए जो लोग कह रहे हैं कि 20 मई से स्टार्ट होगा, उनको भी मैं एक और चीज़ बता दूं कि मिनिमम 15 से 20 दिन रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेंगे मेंस के लिए, तो इतना पैनिक मत होए, सब आराम से करते रहें, हो जाएगा। तो आज जेके बोर्ड के लिए काफ़ी लोग कह रहे थे कि लेक्चर प्रिपेयर किस तरह से करना है, वो मैंने पहले कर दिया था, तो आज सिर्फ मैं आपको रीजनिंग का बताऊँगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से होंगे। तो जैसा क्वेश्चन आपको 25 के 25 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा, जो थोड़े से ट्रिकी हैं या थोड़ा जो टाइम कंज्यूमिंग है उस पर मैं आपको एक अलग लेक्चर बना के दे दूंगा। आप यहाँ देख रहे हैं, इफ काउ रिलेटेड टू काफ देन हैन रिलेटेड टू व्हाट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये मैं आपको CGL का पेपर दिखा रहा हूँ, और इसी लेवल का पेपर या हो सकता है CHSL के लेवल का पेपर आपको जेके बोर्ड जूनियर असिस्टेंट में दिखे। तो यहाँ पे आपको सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, चिक। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, आप यहाँ पे सही आंसर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे इन्होंने पूछा गया है अगर ये इसके रिलेटेड है तो QUV किसके रिलेटेड है, DHL इज रिलेटेड टू AEI। अब आप मेरे को बताओ कि आप इसे किस तरह से करेंगे, और पूछा गया है कि QUY इज रिलेटेड टू वॉट। अब यहाँ पे हमें पता है BC तो कुछ ऐसा ही होगा जिससे हमें क्यू तक चले जाएं। तो आपको पता है अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम एन रखते हैं तो OP, और हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना ऑप्शन कौन सा है, पहला हमें मिल गया तो हम आंसर मार्क कर देंगे सीधा। क्रॉस चेक करने के लिए आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, FG, और यहाँ पे U है, यहाँ पे R है, तो आप देख सकते हैं ST। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अब जैसे जेके बोर्ड में आपको 100 मिनट है, अगर आप आराम आराम से भी करेंगे तो ये हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आपने देखे अपनी स्क्रीन पे किस तरह से थे। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की कि ये क्या है। यहाँ पे इन्होंने हमें कहा गया है अगर ये इसके रिलेटेड है तो ये किसके होगा। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड वाले जो या जिस तरह से करने होते हैं, इन्हें करने की अप्रोच अलग अलग है, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो ये है वो इसके रिलेटेड होगा और जो ये होगा वो इसके रिलेटेड होगा।
यहाँ पे क्या होता है कभी कभार, यहाँ पर जो ये होता है वो इसके रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है हमारा 125 0 पॉइंट, तो ये यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे सेम लॉजिक से अगर हम देखें तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, और ये हमारा क्या होगा आंसर। आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखेंगे, यहाँ पे आपका जो काम करेगी चीज़ वो होगा कि आप कितना कितना आपका दिमाग एग्जाम देते टाइम एक्टिव है। अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सिलेक्ट द ऑड वन ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ये तो आप देख के ही बता सकेंगे, बुक, पेज, पेन या डायरी। तो जो इसका आंसर है वो आपको पता है कि पेन है, क्योंकि बाकी सब में पेजेस इन्वॉल्व होते हैं, पेन में नहीं होते। तो इसी लेवल का आपको एग्जाम में दिखेगा। अभी के लिए मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा हूँ, मैं आपसे जनरल अवेयरनेस का पेपर भी डिस्कस कर दूंगा, मैं आपसे मैथ का पेपर भी डिस्कस कर दूंगा, मैं उसी तरह से आपको बता दूंगा, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो सीजीएल की तरह ही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे जो वर्ड गिवन है ई जी आई एम ओ क्यू यू डब्ल्यू वाई एन एल जे। अब हमें पता है ई एफ जी एम एन ओ यू वी एन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि थोड़ा सा अलग है। तो पूरा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर एक चीज़ को अलग से फाइंड करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम ढूंढ सकते हैं कि चीज़ों को ईजी वे में किस तरह से करना है। जैसे हमें यहाँ पे एक चीज़ दिखी कि हर एक के जो पहले दो लेटर में उनमें एक एक का डिफरेंस है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये। ज़रूरी नहीं है कि इनको हर किसी को आप प्रॉपर सॉल्व करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मैं अगर बोलूँ कि इन्होंने बोला यहाँ पे ऑड वन आउट फाइंड करें, 47 41 59 और 63। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर आपको स्ट्राइक करेगी एग्जाम में तो आप कर लेंगे, अगर इनकेस आपको एग्जाम देते टाइम वो चीज़ स्ट्राइक नहीं कर रही। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं जब सीजीएल का एग्जाम देता हूँ जो मैंने दिए, अगर उसमें मुझे कोई चीज़ या लॉजिक उस टाइम पर स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं उसको स्किप कर देता हूँ। जब आप बाकी सारा पेपर कर लेंगे, आपके पास एंड में 1-2 मिनट बचेंगे, यहाँ पे तो आपके पास 10 से 15 मिनट बचे होंगे पेपर के बाद, क्योंकि 100 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं इन लेवल के 100 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आपको स्ट्राइक नहीं करता आप स्किप कर दें, एंड में जब आपका सारा पेपर आपको दिख रहा है हो गया है, आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो आपको अपने आप लॉजिक पता चल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर आप इन तीनों को देखें तो ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं जबकि 63 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 63। आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है 63। 7 मिनट की वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसमें से 4 मिनट मैंने पहले पूरा आपको बताया। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसमें आपको पूछा गया है कि जैसे हमने मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस किए हैं पहले, यहाँ पे आपको पूछा गया कि करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है जो यहाँ पे फिल करेगा। अगर अब यहाँ पे हमें पता चले कि यार इन चार में से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे फिट हो सकता है, तो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका लॉजिक देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि लाइफ सब में है, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे भी लाइफ सब में है। उसके बाद एल आई के ई लाइक लाइन, इस तरह से वर्ड है लॉन्ग। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एल से भी एल भी सब में कॉमन है। फिर आप एक चीज़ देखें कि आई कॉमन है, ओ फिर के एन है, यानी कि अगर आप एक देखें कि इसे एक डिक्शनरी के पैटर्न में लगाया गया है, तो इनमें से कौन सा होगा जो डिक्शनरी के पैटर्न में आएगा। लाइफ के साथ एल तो देखो यहाँ पे आएगा जिस तरह से एक सीक्वेंस बन रहा है, तो यानी कि लाइफ स्पैन और लाइफ वर्क तो हमारे कैंसिल हो गए। अब लॉस्ट और लेस में इनमें से कौन सा आएगा, ई पहले आता है या आई, तो यहाँ पे हमें पता है कि ई पहले आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा लेस। इन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपका उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, या आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा वहाँ पे हम अपना मार्क करेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में आप आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बी सी ई एच एल। अब यहाँ पे कोई पूछे कि यहाँ पे भी नंबर सीरीज जैसे हम करते थे वैसा ही क्वेश्चन है कि फाइंड करना है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं बी सी एक वर्ड नहीं है, डी दो नहीं है, एफ जी आई जे के, और यहाँ पे आपको पता चल गया कि 4 वर्ड मिसिंग होंगे, तो नेक्स्ट क्या होंगे एम एन
ओ पी, तो आंसर क्या हो गया हमारा, क्यू। कितने इजी लेवल के क्वेश्चन हैं और आपको इस तरह का दिखेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर आपने सब चीज़ें पढ़ी होंगी तो एग्ज़ाम निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम लिमिट काफ़ी होगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ वही काम का आएगा कि आपने पढ़ा कितना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है दोबारा, 3, 8, 14 और 21। अब यहाँ पे फाइंड करना है क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 7 का, 6 का, 5 का, और यहाँ पे कितने का होगा, 4 का, और यहाँ कितने का होगा, 3 का। तो यानी कि 4 -3 -1 हमारा आंसर। अब एक देखें, अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये जिन पे आपको एक लेक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी तो हमने ऑलमोस्ट सब पढ़ा है। आप इसको एक ट्राई करें पहले खुद, अगर नहीं समझ आता तो जो कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से शॉर्टकट करना है, क्योंकि यहाँ पे करूँगा तो आपको शायद से समझ ना आए। तो इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर देता हूँ, इस पर मैं आपको एक कैलेंडर पे अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप फिलहाल इसको करें सॉल्व और अपना आंसर बता दें। मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर है मंडे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आपकी स्क्रीन पे ये सामने ही है कि इनमें से 4 बॉक्सेस का हमें क्या गिवन है, वेट गिवन है 30, 40, 50 और 80 किलोग्राम। और इनमें से पूछा गया है कि कैन नॉट बी द टोटल वेट इन किलोग्राम्स ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सेस। अब यहाँ पे क्या क्या गया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों का वेट दिया और बोला गया है कि कौन सा वेट है जो नहीं हो सकता पॉसिबल केसेस, अगर हम दो वेट को आपस में लें। अब यहाँ पे क्या है, 120 अगर हम 80 और 40 को लें 120 हो सकता है, 110 अगर हम 80 और 30 को लें 110 भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम 50, 40, 90, 50, 3, 80, सो हमारा नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इतना क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे 130 पूछा है, 80 और 50, 130 यहाँ से, तो आपको दिख गया आंसर क्या है, 100। इन क्वेश्चंस को करने के लिए अब जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा करना टफ होता है, लेकिन आपका जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, 5-6 सेट में आपको इसी तरह से, जैसे आज की वीडियो करवा रहा हूँ इसी तरह से मैं आपको 5-6 सेट करवा दूंगा और आपका रीजनिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आप 25 में से आराम से 25 करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको बोला गया गिवन ऑल्टरनेटिव में से फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड है जो इस वर्ड से नहीं बन सकता। अब प्लेट यहाँ पे बन सकता है, डक्टाइल यहाँ पे आप देखिए बन सकता है, DUCTILE डक्टाइल बन सकता है, LUCID बन सकता है, टीम यहाँ पे एम नहीं है तो आंसर क्या है, टीम। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और कितने इजीली हो रहे हैं। अब यहाँ पे आया ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको करवाया हुआ है जब हम करते थे अपना, जब मैंने आपको डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग करवाया था उसमें आपको मैंने कराया हुआ है ये वाला पार्ट, तो मुझे इसको बताने का, चलो मैं बता ही देता हूँ। MOFJXQB यहाँ पे क्या है, हमें देखना पड़ता था कितने का डिफरेंस है, MNO 2 का डिफरेंस। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि लास्ट वाले को देखें कितने का है, CD देख लिया आपने 2 का, बीच में से किसी एक को रैंडम उठा कर देख लें, KL सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो अब OPQ, तो यहाँ पे क्या करेंगे सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा लास्ट वाले को देखेंगे, CDE को छोड़ा, FPQ छोड़ा, R, अब आप देख रहे हैं, सॉरी अब यहाँ पे क्या गलती है की मैंने, यहाँ पे मैंने जो गलती की है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने जो बोला गया था वो इन्होंने बोला है कि अगर प्राइमेट इसकी तरह कोडेड है तो काओ किसकी तरह कोडेड होगा, यानी कि काओ जो है वो ऊपर होगा और हमें बताना है किसकी तरह यहाँ से होगा। तो जेड ए बी छोड़ा, सी एल एम एन छोड़ा, ओ, तो यहाँ से आपको आंसर दिख गया ZLT। इतना क्लियर है आपको। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आया ये आपको दिखेगा एग्जाम में काफ़ी जगह पे, तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग की तरह काम किया गया है कि अगर आपका जो प्लस है वो रिप्रेजेंट करता हूँ मल्टीप्लाई को, माइनस रिप्रेजेंट करता है प्लस को, और प्लस रिप्रेजेंट करता है डिवाइडेड बाय को,
और साथ में डिवाइडेड बाय रिप्रेजेंट करता है आपका माइनस को, तो बोला गया है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। अब 11 यहाँ पे प्लस है, यानी कि क्या बोला गया, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई 50, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, प्लस 150, और यहाँ पे क्या बोला, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 200। ये रहा हमारा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 550 प्लस 150 क्या हो गया ये हमारा 700, 700 माइनस 200 क्या आया हमारा 500, और आंसर क्या है यहाँ पे 500। तो ये इतने इतने इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस यहाँ पे ये कि आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ये कि क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, अब वो आप मेरे को बताएं। थोड़ा सा सोचें, पॉज करें और खुद एक ट्राई करें अटेम्प्ट करने की कि किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन केस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता है और आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता, तो आप क्या करें, पॉज करें या स्किप कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। काफ़ी आराम से आप जब बाद में आएंगे, आपका दिमाग इतना रिलैक्स हो गया होगा और वो अटेम्प्ट कर लेगा। अब यहाँ पे क्या है, 7 × 1 इज इक्वल टू 12, 5 × 4 इज इक्वल टू 2। लॉजिक कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर मैं बोलूं 7 − 1 6 × 2 क्या मिलेगा, 12। सिमिलरली 5 − 4 क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स 2, और 6 × 4 में यानी कि 6 − 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स 4। कोई लॉजिक बना नहीं यहाँ पे, क्या एक लॉजिक बनाने की कोशिश की, नहीं बना। अब दोबारा इसको एक ट्राई करेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि जो हमारा आंसर आ जाए। जैसे 7 × 1 इन्होंने बना के दिया है 12 के इक्वल होगा, 5 × 4 इन्होंने कहा है कि 2 के इक्वल होगा। कुछ तो ऐसा है कि लॉजिक जिससे हमें ये आंसर आ सकता है, बट वो आंसर क्या है वो हमें इन तीनों को यूज़ करके ही लाना है जो मैंने आपको बताया। अब क्या करेंगे, हम फिर से एक ट्राई करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा। मैंने भी अभी ये आपके सामने सेट पकड़ा है, 7 × 1 12, 5 × 4 8, एक सेकेंड वेट मैं इसको करता हूँ। हेलो, यहाँ पे पता है इस क्वेश्चन में क्या था, सही लॉजिक लगा रहे हैं हम। 7 − 1 इज इक्वल टू 6 × 2 क्या हुआ हमारा, 12। 5 × −1 1 × 2 2, 6 − 2 2 × 2 4। अब यहाँ पे 7 − 4 3 × 2 हमें आंसर क्या मिलेगा, 6। तो ये था लॉजिक यहाँ पे इस क्वेश्चन में। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, कि ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको पूछा गया होगा कि आपको फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन में बताएं कि क्या मिसिंग टर्म हो सकती है। ये इस तरह से आपको एक बॉक्स टाइप दिया होगा, इसको किस तरह से करेंगे। इसमें भी आपको बता रहा हूँ, अभी ये वाला तो चलो इजी है, आपको स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्ट्राइक नहीं कर पाते। अब यहाँ पे क्या है, 18 को अगर हम 90 से डिवाइड करें क्या मिलेगा आपको, 5। 143 डिवाइडेड बाय 13 क्या मिलेगा आपको, 11। और सेम क्या होगा जिसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 5, तो ये आपको पता है 35। तो इसका आंसर होगा 35। ईजी है क्वेश्चन। अब ये आ गया आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, इस पे हमने काफ़ी टॉपिक पे काम किया हुआ है। अ मैन साइकिल 7 किलोमीटर ईस्ट, 7 किलोमीटर वो ईस्ट गया, देन टर्न्स साउथ एंड साइकिल 12 किलोमीटर, देन टर्न्स वेस्ट एंड साइकिल, सॉरी क्या था ये मुझे नहीं दिख रहा, एक सेकेंड वेट, देन साइकिल 7 किलोमीटर ठीक है, यहाँ से गया फिर वापस 7 किलोमीटर उसने चला, एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट, यहाँ पे कितना चला था वो 12, और यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा यहाँ, और कितना चला 10। अब पूछा कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, 12 और 10 22, और साउथ, इसका आंसर हो गया 22 किलोमीटर साउथ। तो ये इस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम साइलॉगिज्म का, जैसे आप सामने देख रहे हैं सिंपल बिल्कुल बेसिक, जिन लोगों ने अभी बैंकिंग एसोसिएट का भी एग्जाम दिया उनमें भी दिख गया है कि किस तरह से पेपर में आपको क्वेश्चन दिखते हैं। अब जैसे ऑल स्टील इज आयरन,
जो लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट किया, उन्हें मैं बता दूं कि ये सब टॉपिक्स पे पहले के लेक्चर बन चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख लें। और उसके बाद आप करें, ये ऑल स्टील इज आयरन एंड नो आयरन इज सॉलिड, यानी कि अलग है ये, नो आयरन इज सॉलिड। तो यहाँ पे पूछा है नो स्टील इज सॉलिड, क्या कोई स्टील सॉलिड होगी? नहीं, ट्रू। सम आयरन इज स्टील, सम आयरन इज स्टील, ट्रू, बोथ फॉलोस। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या है, वह बोथ वन एंड टू फॉलो। ये अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है इस पर भी मैं आपको एक अलग से लेक्चर दूंगा, डाइस बेस्ड क्वेश्चन पे, कि किस तरह से करते हैं। मैंने वही आपको तभी मैंने कहा कि एक बार आपको एक आइडिया दे दूं पेपर में क्या क्या आता है, उसके बाद आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पे ही आपको लेक्चर बना के दूँ। तो डाइस बेस पे आपको मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, बिल्कुल पेन पेपर पे प्रॉपर, बिल्कुल बेसिक से, एक डाइस बेस्ड क्वेश्चन, एक कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा और आता नहीं है। बाकी अगर कोई होगा तो इसका क्वेश्चन को एक ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सी फिगर होगी जो नहीं बन पाएगी, तो ये तो मैं आपको तभी करवाऊंगा, तो आप देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कुछ स्क्वेयर हैं वो क्या रिप्रेजेंट करें, कि वो एथलीट्स हैं, जो स्क्वेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एथलीट है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंजीनियर है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो फादर है, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो लोग लेटर फाइंड करने हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एथलीट हु आर इधर एंटरप्रेन्योर और फादर्स। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एथलीट है कौन से, एथलीट वो है जो स्क्वेयर में है, यानी कि बी सी डी ई। मैं आपको एक बता देता हूँ, एथलीट इन्होंने पूछा है एथलीट क्या क्या है हमारे, बी सी डी ई एफ, जो हमारे स्क्वेयर्स में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है एथलीट वो वाले जो क्या है, या तो एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, या रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेक्टेंगल में आ रहे हैं यानी कि एफ और ई, और या फिर जो क्या है फादर, फादर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, सर्कल में कौन सा आ रहा है हमारा, डी। सिर्फ आप देख सकते हैं ये स्क्वेयर है, पूछा गया है कौन से हैं जो सिर्फ सर्कल या रेक्टेंगल में आ रहे हैं, तो आपके सामने ये आ गए हमारे। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है, एफ ई डी। आपके सामने कितना टाइम लगा, और 21 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं 22 मिनट की वीडियो में, जिसमें 5-6 मिनट का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसी फिगर फाइंड करनी है जो इसको कंप्लीट करे। आप पहले देख लें कौन सी है, और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, और आपको वो देखना है कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले किस तरह से रेक्टेंगल ट्राइंगल बने हुए हैं, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट आपकी फिगर होगी आपको सीधा ढूंढना ही हुआ है जो इस तरह का ट्राइंगल बना हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन सा गिवन हुआ है हमें ट्राइंगल, सिर्फ एक हमें ऑप्शन फर्स्ट ही गिवन है। करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं क्या है, करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एम्बेडेड फिगर, कि कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस तरह की फिगर आपको बनी हुई दिखेगी। इन क्वेश्चन को करने का तरीका सिंपल है, टाइम कंज्यूमिंग बेशक हो जाए, आराम से देखें कि किस फिगर में ये बन रहा है, तो उसके बाद उसको क्या कर दें, अपना आंसर मार्क। अब आपको मैं बताता हूँ, सीधा यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है जो आपकी सेकंड फिगर है, पहले हम उसको बना दें। अगर इस तरह से कुछ बनी हुई है ये फिगर, आप एक चीज़ देखें कि यहाँ से हमें देखना है, यहाँ से ये यहाँ पे भी है, इस साइड सीधा नीचे और फिर ऊपर, और यहाँ से फिर ऊपर। यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया कि एम्बेडेड कौन सा है, तो आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर चेक करें, करेक्ट आंसर सेम। अब एक ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है जिस पे आपको अलग लेक्चर मिलेगा, पेपर फोल्डेड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताएं कि किस तरह से अगर हम पेपर को फोल्ड करें और काटें तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इसको करने का सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एक बताऊंगा, वो मैं वीडियो के लेक्चर में ही बताऊंगा, वो बहुत ईजी है। मैं क्या करता था, ये क्वेश्चन जब मुझे पता है, जब मैं बाकी पेपर काफ़ी जल्दी रीजनिंग, अब जैसे सीजीएल में 60 मिनट है आपके पास, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं क्या करता था, मेरे को पता था कि मैं बाकी क्वेश्चन सेक्शन जल्दी कर दूंगा, तो मैं इसको क्या करता था, मैं छोटा सा पेज काटता था, उसको फोल्ड किया, उसको फिर से फोल्ड किया, और जिस तरह की डायग्राम बोली है उसको उसी तरह से काट दिया। इसको अगर मैं आपको बताऊँगी, अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके जब दोबारा फोल्ड किया, अगर मैं खोलूँगा तो ये यहाँ पर भी बनेगा। ये मैं आपको एक अलग से लेक्चर में ही समझा दूंगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा कुछ, कि सब बॉर्डर पे ही रहेंगे,
सेंटर में कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कटिंग ही साइड पे की है, तो ये जो बीच में आने ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। ये करने का तरीका अलग, मैं आपको बता दूंगा। अब ये आते हैं क्वेश्चन हमारे मिरर इमेज टाइप के, कि अगर हमने यहाँ पे मिरर रखा हो तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी। कुछ नहीं करना आपको, बस ध्यान देना है कि मिरर के पास जो चीज़ होगी वो उसी तरह से बनेगी, और एरो का ध्यान रख लेना है, ये जो एरो पूछे जाते हैं, अगर ये एरो उस साइड है तो ये इस साइड पे ऊपर होगा, और जो मिरर के पास है वो यहाँ पे मिरर के पास होगा। ऑप्शन आप देख लो आप क्या होंगे, ऑप्शन इजी आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा टफ नहीं आते। ऑप्शन सी आपको थर्ड और फोर्थ में थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन फोर हमारा आंसर है। और ये आया हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आपको एक मैट्रिक्स टाइप दिया होगा जिसमें आपको पूछा जाएगा बाद में कि बताएं कि अगर इस तरह से आपको गिवन है कुछ बना के, तो जो वर्ड है वेरी वो किन वर्ड से बनेगा। आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो हम हमेशा लास्ट ऑप्शन ऑप्शन से शुरू करते हैं। अब एट एट वर्ड क्या है, बी, वेरी नहीं हो सकता, कैंसिल। वन 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 वर्ड क्या है, आर, वेरी नहीं हो सकता। थ्री वन थ्री वन वी, इसको चेक करेंगे। टू फोर टू और फोर के नीचे क्या है, ई, ये भी हो सकता है। वन वन आर और लास्ट में क्या है, एट सेवन वाई, वेरी हमारा यहाँ से आंसर। तो आपने देखा अभी हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लगभग 25 मिनट ही लगा के, मैं अपना वो स्टार्टिंग वाला नहीं बता के करता हूँ, तो इस लेवल की रीजनिंग आती है। अगर आप आराम से इसको जो मैं 5-6 लेक्चर की ये बनाऊँगा, पूरे पूरे पेपर सॉल्व करवाऊँगा, उससे ज़्यादा आपको रीजनिंग की जरूरत नहीं है, और आप जूनियर असिस्टेंट के पेपर में 25 में से लगभग 20 प्लस तो आराम से ले आएंगे। ये तो रही हमारी पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊँगा, जो लोग ये तो आज जूनियर असिस्टेंट के लिए काफ़ी लोग कह रहे थे उनको लेक्चर चाहिए था, आपको मैं बता दूं जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी वो मैं अकेला नहीं करवा रहा, मेरे साथ काफ़ी मेरे साथ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे उसमें। उसमें मेन मोटिव ये है कि जो अभी एक्चुअल एग्ज़ाम में आ रही हैं चीज़ें वही आपको वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। फालतू में आपको जिस तरह से बाकी लोग करते हैं कि ईजी ईजी पढ़ा के वहाँ पर खुश कर देते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम की सही डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ पर है। तो ये तो रही एक बात। अब जैसे हमने ओली बोर्ड के टेस्ट दिए थे, सब लोगों ने कहा था कि काफ़ी टफ आते हैं, ये नहीं करने, ये बेकार हैं, ये वो है, लेकिन जब हम जेके बैंक पीओ का एग्ज़ाम देने गए, आपने खुद देखा वहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी थी पिछले टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जिन लोगों ने ये टेस्ट दिए थे उन लोगों ने कितना अच्छा स्कोर किया है उसमें, वो सब लोग काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट करके आए हुए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा मैं हर एक बंदे से उसकी फ़ोटोग्राफ मंगवा के अलग से पोस्ट करूँगा कि ये सब ने ये किया था और इन्होंने सिलेक्शन ली है। ओली बोर्ड का आपको फ़ायदा ये है कि अब ओली बोर्ड ने एसबीआई क्लर्क के लिए अलग से टेस्ट सीरीज़ में 15% ऑफ दिया है जो लोग कूपन कोड यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम जेके बैंक के जो हमने मॉक टेस्ट दिए थे वो 10 मॉक टेस्ट थे, और वो मैं अकेला दे रहा था और एनालिसिस डालता था। एसबीआई में क्या होगा, एसबीआई में मेरे साथ जो 5-6 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको मैं जानता हूँ और जिन लोगों ने क्वालिफाई किए हैं एग्ज़ाम इसी लेवल पे आके, टफ़ कंपटीशन में आके, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। वो लोग जो 20 टेस्ट होंगे वो हम डिवाइड कर लेंगे, वो सब देंगे और वो सब अलग अलग अपना जो एनालिसिस होंगे वो डालेंगे, ताकि एसबीआई क्लर्क, अगर इनकेस आपको लग रहा है कि आपकी जेके बैंक में तैयारी कम थी, या अगर आपको लगता है आपका जेके बैंक अच्छा गया, मैं आपको तब भी बोलूँगा कि आप एसबीआई के लिए तैयारी करें। ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 15 में से होंगी, कहाँ होंगी मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। और जेके बैंक पीओ मेंस के लिए जो लोग कह रहे हैं, पीओ मेंस का मैं आपको बता दूं, पीओ मेंस का जो लेवल होगा वो काफ़ी टफ होगा और उसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। अब जो कह रहे हैं कि आप बाकी चैनल्स की तरह पूरा लेक्चर डालें, मैं जॉब भी कर रहा हूं साथ में, मेरे पास टाइम जितना निकल पाता है मैं उतना ज़्यादा निकालता हूं कि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं। मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये है कि अगर जो एग्ज़ाम होते हैं 3000 सपोज कहीं पे वैकेंसीज हैं, तो जो J&K के बाहर के लोग कम्पीट करते हैं वो 29,550 प्लस सीट्स क्यों लेते हैं, और J&K का बच्चा सिलेक्ट क्यों नहीं होता, अगर यहाँ पे इतने ज़्यादा कोचिंग सेंटर हैं, अगर यहाँ पे इतने ज़्यादा चल रहे हैं, अगर उनके पास इतनी बेस्ट फैकल्टी है, तो वो J&K से लोग क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे फिर एग्ज़ाम, अगर इतना ज़्यादा यहाँ पे है तो। अगर आप कहीं भी उठा के देखें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, SSC, बैंकिंग,
जो मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, जे एंड के से लोग कम क्यों नहीं कर रहे हैं इतनी देर में? क्यों? क्योंकि हमने एग्ज़ाम अभी दिए हैं, हमें पता है कि किस तरह का लेवल आ रहा है एग्ज़ाम में, और हमें पता है कि आज भी जो मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो 2015 के आगे बढ़े ही नहीं हैं। वो वही चीज़ें करवा रहे हैं जो वहाँ पर आपको बैठ के काफ़ी अच्छी लगेगी, मगर वो कितना रिजल्ट दे रहे हैं वो आप सबके सामने है। अगर मैं 3 महीने में, अगर अगर इन केस जेके बैंक में आपको सिलेक्शन 500 प्लस दे देता हूँ, बाय चांस क्या, मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, तो आप खुद सोचें कि ऐसा क्या था जो मैंने 3 महीने में आपको करवाया। मैंने आपको सही डायरेक्शन दी, क्या चीज़ें ज़रूरी है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। हमने वो मॉक टेस्ट दिए, हमने वो एक साथ दिए, हमने एक साथ देखा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंप्रूव किया और उनका रिजल्ट जो होगा वो अभी थोड़े दिन में आपको दिख जाएगा। अगर आपको 50,000 की जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज वो ज़माना नहीं है कि आपकी प्लेट में कोई चीज़ सजा के दे देगा कि आप लें वो खा लें। आपको मेहनत करनी पड़ेगी लोगों से कम्पीट करने के लिए। जेके बैंक तो चलो एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो J&K के लिए, SBI क्लर्क भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, लेकिन अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो आप SBI PO क्यों नहीं निकाल रहे, आप RBI क्यों नहीं कर रहे? कॉम्पिटिशन है, मैं मानता हूँ टाइम लगता है, लेकिन सब में इतना कैलिबर है कि वो कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट से भी कम लेवल में अपने आप को मानता हूँ, लेकिन मैंने 2-2.5 साल मेहनत की, 1-1.5 साल तैयारी काफ़ी अच्छी की, ढूंढी चीज़ें कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, एग्ज़ाम दिए, पता चला जो। और मैं आपको एक चीज़ मुझे बोलनी नहीं चाहिए, मैं इसको कोई घमंड में नहीं कहूँगा, बट ये फैक्ट है कि जो फ्रेंड्स मेरे सामने ही कोचिंग गए थे वो आज भी कोचिंग में ही जा रहे हैं। आपको क्या, मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। जिस तरह हमने जेके बैंक का स्टार्ट किया, हमने सीखने की कोशिश की। मैंने स्टार्टिंग से कहा मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने चीज़ें सीखी हैं, मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सिलेक्शन मेरे से पहले भी लोगों की होती थी, लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा जो बता रहा था। अगर आप कोचिंग में जाते हैं, आपको क्या है, आपके दिमाग में वो एक चीज़ डाल देते हैं कि ये मेथड इसको करना है, और आपके दिमाग में वो चीज़ रह जाती है कि हमें इसी मेथड से अप्रोच करना है। आप इससे इसके अलावा कोई चीज़ ढूंढते ही नहीं है, और वो चीज़ कभी कभार बेस्ट नहीं होती। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने हर एक टॉपिक 10-10, 15-15 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में वो उसको उस तरह से अप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर मैं ऑफलाइन स्टार्ट करूँगा तो उसमें तो मेरा बस यही मोटिव है कि आपको सिखाना, आपसे सीखना, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर और एक टीम की तरह अगर हम काम करेंगे तो सिलेक्शन होगी। मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया था 20-25 लोग थे, और जब मैं खुद पढ़ता था 20-25 लोग थे, और उन सब का आज के दिन में एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। एक भी ऐसा नहीं मेरे को दिखा जो अभी कहे कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। आपको मैं एक एक से बात करवा दूंगा जिन लोगों का एग्ज़ाम ही निकले हैं। मेरा बस मैं कहने का ये मतलब है कि अपने आप को किसी से कम मत समझे। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, मेरे को ये लगता है। बस ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है हर चीज़ को लेके। जेके बैंक हो, SBI हो, RBI हो, IAS हो, KAS हो, जो भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका दिमाग शांत है आप कोई भी क्रैक कर सकते हैं। तो बस इतना ही रखते हैं। ऑफलाइन क्लासेस 15 मई से स्टार्ट होगी, कहाँ होगी कैसे होगी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। प्लस ऑली बोर्ड की आप लोग टेस्ट सीरीज ले लें अभी मेंस के लिए, मैंने आपको बताया है, साइट पे जाके लॉग इन करें, वहाँ पे कूपन कोड SSS यूज़ कर लें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल मेंस के लेक्चर के साथ। आई होप आपने स्टेटमेंट आर्गुमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। मैं अभी आपको एक प्रैक्टिस सेट अपने ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से सॉल्व करें और देखें कितने ठीक होते हैं। तो कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 मार्क्स का दिखेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, या फिर कल मैं आपको वो पजल करवाऊंगा जो 8 मार्क्स की आती है। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।